दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक यादव। आप देख रहे हैं दीपक बनारसिया। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे भोजपुरी में काफ़ी सुपरस्टार हैं जिनकी महंगी महंगी फीसें होती हैं, जो आपको नहीं पता कि वो लोग कितना एक गाने का चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन सुपरस्टार कितना चार्ज करते हैं एक गाने का। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं अरविंद अकेला कल्लू जी, जो कि माने जाने भोजपुरी सुपरस्टारों में से एक हैं। ये जो कि बचपन से ही काफ़ी बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं और आज भी अपना नाम बनाए हुए हैं। तो इनके एक गाने का जो चार्ज है दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि इनके एक गाने का जो चार्ज है वो 75,000 रुपये है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहेंगे हमारे और आपके भी फेवरेट गुंजन सिंह के बारे में, जो कि इनका एक गाना बड़ा ही वायरल हुआ था, बड़ा ही हिट हुआ था, जो टिकटॉक से लेकर यूट्यूब से लेकर हर एक सोशल मीडिया पर इनका गाना चलता था, धानकुटी की मशीन। इस गाने से इनको काफ़ी पॉपुलरता मिली। और बता दें आपको कि इनके एक गाने का जो चार्ज होता है गुंजन सिंह के, वो 90,000 रुपये है। ये प्राइस भी दोस्तों बता दूँ मैं आप लोगों को कि घटती बढ़ती भी रहती है जैसी कंपनी मिल जाए। अब दोस्तों हम तीसरे नंबर पर बात करना चाहेंगे राकेश मिश्रा जी के बारे में। दोस्तों बता दूँ कि राकेश मिश्रा जी एक गाने का जो चार्ज करते हैं वो राकेश मिश्रा जी करते हैं 75,000 रुपये। हालांकि इनका गाना मार्केट में काफ़ी कम आता है, लेकिन दोस्तों बता दूं कि ये भी भोजपुरी के सुपरस्टारों में से एक हैं। ये भी महंगी महंगी फीसें लेते हैं अपने गाने का। अब दोस्तों हम बात करना चाहेंगे जो हमारे अगले सुपरस्टार हैं उनके बारे में। तो जो हमारे अगले सुपरस्टार हैं वो है समर सिंह। दोस्तों अब हम बात करना चाहेंगे समर सिंह जी के बारे में। तो समर सिंह जी कितना लेते हैं? समर सिंह का एक गाना बड़ा ही वायरल हुआ था, तू धरावे ला थ्रेसर, जो कि धोबी गीत है। वो दोस्तों बता दूँ मैं आप लोगों को कि ये जो है धोबी गीत से अपने काफ़ी पॉपुलर हुए और काफ़ी इनकी जो है फीसें भी बढ़ गई धोबी गीत गाने को ही लेकर के। तो इनका जो एक गाने का जो चार्ज होता है वो 1,00,000 रुपये के प्लस होता है दोस्तों, बता दूंगा आप लोगों को। अब दोस्तों मैं अगला पांचवें नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा रितेश पांडे जी के बारे में, जो कि इनका अभी एक हाल फिलहाल में गाना आया हुआ था हेलो कौन। ये गाना दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को कि लगभग 300 मिलियन के आसपास ये गाना लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हो चुका। तो समझ सकते हैं आप ये कितने बड़े सुपरस्टार हैं, और जितना ये सुपरस्टार हैं उतना ही इनका महंगा चार्ज भी है। दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को कि इनका जो एक गाने का जो चार्ज होता है वो 1,00,000 रुपये के प्लस होता है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितना महंगा चार्ज है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा भोजपुरी के सुपर स्टार में से एक प्रमोद प्रेमी यादव जी के बारे में। तो बता दूँ मैं आप लोगों को कि प्रमोद प्रेमी यादव जी भी इस बार के सुपर स्टार में से एक गिने गए हैं। बता दूँ आप लोगों को कि जिस शादी में इनका गाना नहीं बजता था ऐसा लगता था जिससे शादी संपन्न ही नहीं हुई हो। तो मैं बता दूँ आप लोगों को इनका जो एक गाने का जो चार्ज होता है वो 95,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 प्लस होता है। तो मैं बात करना चाहूँगा दोनों भाई जो कि भोजपुरी के सुपर स्टारों में से एक गिने जाते हैं, जो कि काफ़ी साफ सुथरा गाना गाते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को कि इनके एक गाने का जो चार्ज होता है दोस्तों, वो एक गाने का इनका चार्ज होता है दोनों भाइयों का, वो होता है 70,000 रुपये। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा हमारे और आपके और बहुत सारे लोगों के सुपर स्टार और फेवरेट सुपर स्टार इंटरनेशनल स्टार पवन सिंह जी के बारे में, जो कि लॉलीपॉप इनका जो गाना है वो दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को कि विदेशों से लेकर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक चलता है। तो दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को कि इनके एक गाने का जो चार्ज होता है दोस्तों, वो 2,50,000 रुपये से 3,00,000 रुपये की प्लस होता है। दोस्तों समझ सकते हैं कि पवन सिंह जी भी काफ़ी अच्छा खासा चार्ज करते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे निरहुआ जी के बारे में, यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के बारे में। दोस्तों बता दूं मैं आप लोगों को कि ये गाना तो हालांकि बहुत कम गाते हैं, ये फिल्में ही ज़्यादा करते हैं। अब तो खैर ये चुनाव में आ चुके हैं, पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, लेकिन बता दूं मैं आप लोगों को ये अगर कोई गाना गाते हैं तो ये 2,00,000 रुपये के प्लस गाते हैं। इनका प्राइस कम इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये गाना कम गाते हैं, तो इसी वजह से इनका जो प्राइस कम है, लेकिन फिल्मों की जो इनकी चार्ज है वो दोस्तों काफ़ी महंगी होती है। दोस्तों लास्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे नंबर एक पर, सबसे महंगा चार्ज जो करते हैं वो करते हैं हमारे और आपके सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी। खेसारी लाल यादव जी के दोस्तों बारे में जितना बड़ाई किया जाए वो कम है, लेकिन बता दूं मैं आप लोगों को ये 3,00,000 रुपये के प्लस लेते हैं एक गाने का। और दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि इनकी जो प्राइस है दोस्तों घटती बढ़ती भी रहती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये काफ़ी दयालु इंसान है। दोस्तों अगर कोई छोटी मोटी कंपनियों वाला होता है, अगर वो अगर इनको लगता है कि नहीं मेहनत काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है तो इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। कहीं कहीं तो ये 51 रुपये से लेकर के 100 रुपये में ही ये गाना गा देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बड़ी बात है एक सुपर स्टार होने के नाते। ये जैसा देखा जाए तो ये काफ़ी दयालु। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी जिसमें मैंने आप लोग सभी लोगों को बताया कि हमारे भोजपुरी के 10 सुपरस्टार कितना फीस करते हैं एक गाने का। तो दोस्तों इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये लोग काफ़ी अच्छा खासा चार्ज करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नई सुपर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।